हेलो दोस्तों, आज ऑन ऑफ स्विच का फॉल्ट हम कवर करने वाले हैं। तो ऑन ऑफ स्विच कैसे आपको डिटेक्ट करना है कि ऑन ऑफ स्विच का ही फॉल्ट है और उसे कैसे रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑन ऑफ स्विच फॉल्ट कैसे बनाना है और कैसे डिटेक्ट करना है। तो दोस्तों, ये नोकिया का हैंडसेट है जिसके अंदर ऑन ऑफ का प्रॉब्लम है। इसके अंदर जो ऑन ऑफ दिया है ये कीपैड में दिया है, और दूसरे मोबाइल में कहीं भी ऑन ऑफ दूसरे जगह पे भी होता है, इसमें कीपैड पे दिया हुआ है। तो ऑन ऑफ स्विच का फॉल्ट में आपको पीस डेड ही समझ में आएगा कि बंद ही है मोबाइल, तो ये ऑन ऑफ स्विच का ही फॉल्ट है। इसे कंफर्म करने के लिए हम एक बार चार्जर लगा के देखेंगे, क्योंकि अगर ऑन ऑफ स्विच का फॉल्ट होगा तो आपका मोबाइल चार्जिंग शो करेगा लेकिन ऑन नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब आपका मोबाइल चालू है, सब कुछ ओके है, सिर्फ आपका ऑन ऑफ स्विच काम नहीं कर रहा है। इसमें देखिए, चार्जर लगा रहे हैं तो ये चार्जिंग दिखा रहा है, लेकिन ये बटन दबाने पे आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसके अंदर ऑन ऑफ स्विच का फॉल्ट है। ठीक है, तो अब ऑन ऑफ स्विच फॉल्ट करने के लिए, चेक करने के लिए हम मोबाइल को खोलेंगे, उसके बाद चेक करेंगे उसको कैसे बनाना है। और दोस्तों, ऑन ऑफ स्विच के बारे में बता दूँ आपको, ऑन ऑफ स्विच का फॉल्ट दो तरीके से होता है। एक तो अगर आपका ऑन ऑफ स्विच फॉल्ट रहा, मतलब शॉर्ट रहा, इस ये अगर आपका ऑन ऑफ स्विच शॉर्ट होगा तो इसमें क्या होगा कि आपका मोबाइल जो है लोगों पे रिस्टार्ट होता रहेगा, क्योंकि अगर ये दबा हुआ है तो फिर नोकिया आएगा, फिर रिस्टार्ट होगा, नोकिया आएगा। जब इसकी आप शॉर्टिंग दूर कर देंगे ऑन ऑफ स्विच की, तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये फॉल्ट सिमिलर आपको सॉफ्टवेयर फॉल्ट जैसा ही लगेगा, लेकिन एक्चुअली में ये हार्डवेयर का फॉल्ट होता है। और दूसरा, अगर आपका वोल्टेज नहीं आ रहा तो इस तरह से आपका चार्जिंग शो करेगा लेकिन ये बटन वर्क नहीं कर रहा है, इसके लिए आपका ऑन नहीं होगा। ठीक है, तब इस फॉल्ट को कैसे ओके करना है ये देखते हैं हम। पहले मोबाइल को हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा मोबाइल देखिए अब खुल चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो पावर पॉइंट है इसके ट्रैक पे वोल्टेज चेक करेंगे। दोनों ट्रैक पे वोल्टेज आना ज़रूरी है। वोल्टेज चेक करने के लिए हम अपना एक एक पॉइंट, ब्लैक वाला पॉइंट जो है माइनस पे रख के प्लस वाले से चेक करेंगे। तो इसके मिडल में आ रहा है वोल्टेज, ये देखिए मल्टीमीटर में। इसके एक ट्रैक पे वोल्टेज आ रहा है मिडल वाले पे, और जो बाहर का लाइन है इस पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो जब इस पे वोल्टेज आएगा तो ही ये पीस ऑन होगा। ठीक है, तो इसकी जो सप्लाई आती है वो आपके पीछे, या ये वाला जो पॉइंट है पावर पॉइंट, इस तरफ से दूसरा वाला, यहाँ से सप्लाई इसकी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक जम्पर मारेंगे ये आउटर पे, तो जाके यहाँ पे सप्लाई आएगी और आपका ये ऑन ऑफ काम करने लगेगा। ठीक है, तो जम्पर मारने के लिए सबसे पहले हमारे पास जम्पर वायर अवेलेबल है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, ये कोटेड वायर होता है, तो सबसे पहले इसकी कोटिंग निकाल देंगे। ताकि ये आसानी से लग जाए। ये सेकेंड वाला पॉइंट है, यहाँ से हमें उसको जम्पर देना है। ठीक है, अब ये ज़रूरत के हिसाब से हम इसको यहाँ से कट करेंगे। यहाँ से जो इसका होल दिया गया है इससे क्रॉस करके हम उस तरफ पहुँचा देंगे, इस तरह से। और इसका ये जो पॉइंट है इस पे, यहाँ पे शोल्डर कर देंगे। शोल्डर होने के बाद इस पे वोल्टेज चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज आपका इनसाइड वोल्टेज बता रहा था, आउटसाइड नहीं बता रहा था। तो अब
ये देखिए बाहर की तरफ अभी भी वोल्टेज नहीं आया है, एक सेकेंड। तो देखिए दोस्तों, अभी इस पे जंपर मारने के बाद ये आपका बाहर वाला ट्रैक भी वोल्टेज बता रहा है और अंदर वाला भी वोल्टेज बता रहा है, तो अब ये प्रॉपर काम करेगा। अब इसे हम पैक करके फिर चेक करते हैं। तो इसी तरह से आपको ऑन ऑफ का जो पावर का बटन का काम इसी तरह से करना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये मोबाइल अब पूरी तरह से पैक हो गया है, अब इसे ऑन करके देखते हैं। अब इसका ऑन ऑफ बटन काम कर रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों अब ये पूरी तरह से चालू हो गया है। तो इसी तरह से आपको मोबाइल के ऑन ऑफ स्विच के फॉल्ट जो भी हैं इसी तरह से आपको करने हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको, इसे ज़रूर कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इससे और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको बना के आप लोगों के लिए लाता रहूं।